फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो G34 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में कॉल वेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले मोबाइल फ़ोन का ना कॉल लॉग ओपन करना है। ये जो कॉल लॉग होता है ना, इसमें आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें आपको नीचे ये ऑप्शन मिलता है कॉलिंग अकाउंट, कॉलिंग अकाउंट पे सेलेक्ट करना है। इसमें आपको अपने मोबाइल फोन की सिम को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे एडिशनल सेटिंग का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब देखिए, आपका पेज जो है ना रिफ्रेश होगा इस तरीके से। तो जब तक ये रिफ्रेश होगा तब तक आपको वेट करना है, रुकना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, जब पेज रिफ्रेश हो जाएगा ना, तो आपको ये कॉल वेटिंग के ऑप्शन आपको दिखाई देने लगेगा। तो ये कॉल वेटिंग के सामने जो बटन ये चालू है ना, इसे आपको बंद कर देना है। इसे टैप करेंगे तो आपका पेज अपडेट होगा। अब यहाँ पर आपको दोबारा से वेट करना है जब तक ये अपडेट होगा। देखिए, पेज जो अपडेट हो चुका है, अब यहाँ पर ये कॉल वेटिंग के सामने वाला बटन भी जो है बंद हो चुका है, ठीक है, ऑफ हो चुका है। तो इस तरीके से कॉल वेटिंग सेटिंग जो है वो डिसेबल हो जाती है, यानी बंद हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, ये सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद काम कैसे करेगी, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होंगे ना, यानी कॉलिंग पे अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होंगे, तो बात करते समय मान लीजिए कोई तीसरा पर्सन अगर आपको कॉल करता है आपके नंबर पर, तो उस तीसरे पर्सन की जो कॉल है वो आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना डिसेबल करने के बाद ऐसे काम करती है।